नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 लोग मारे गए। स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान 38 लोग मारे गए। ये आंकड़ा इस संबंध में मिली अन्य रिपोर्टों से मेल खाता है, लेकिन देश के भीतर इन आंकड़ों की पुष्टि करना मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने हल्की चेतावनी के बाद प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक युवा प्रदर्शनकारी ने कहा, ये भयावह है, ये नरसंहार है। कोई भी शब्द हमारी स्थिति और हमारी भावनाओं को नहीं बता सकते। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीन श्रानेर बर्गनर ने बुधवार को पत्रकारों से कहा है कि 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद आज सर्वाधिक लोगों का खून बहा, केवल आज ही 38 लोग मारे गए। तख्ता पलट के बाद से जारी प्रदर्शनों में अभी तक कुल 50 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। म्यांमार में मदद पहुंचाने वाली एक एजेंसी ने बताया, मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र बर्गनर ने कहा कि उन्होंने म्यांमार के डिप्टी मिलिट्री चीफ सोएबिन के साथ बातचीत की है और उन्हें चेतावनी दी है कि सेना के कुछ देशों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और तख्ता पलट के लिए अलग थलग किया जा सकता है। बर्गनर ने पत्रकारों को बताया, मिलिट्री डिप्टी चीफ का जवाब था कि हमें प्रतिबंधों की आदत है और हम इससे निकल जाएंगे। जब मैंने उन्हें अलग थलग होने के बारे में चेतावनी दी तो उनका जवाब था कि हम केवल कुछ दोस्तों के साथ चलना सीखना होगा। बता दें कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रदर्शन कम नहीं हो रहे हैं। आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंक कर सत्ता अपने हाथ में लेने पर लोग नाराज हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार की रक्तपात की घटना ऐसे समय में हुई जब पड़ोसी देशों ने म्यांमार में संयम रखने की अपील की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।